आज की क्लास 2021-22 में हिंदी साहित्य में यूपीएससी के लिए यानी आईएएस एग्ज़ाम के लिए जो प्रश्न पूछे गए हैं उस पर परिचर्चा से संबंधित है। आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य एक लोकप्रिय अंकदायी और विश्वसनीय विषय है और इस विषय में 60% से अधिक अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम संक्षिप्त तो है ही, रोचक भी है और इसमें 12 कवि पढ़ने हैं, 4 उपन्यास पढ़ने हैं, 3 नाटक पढ़ना होता है, 2 निबंध संग्रह पढ़ना होता है और 2 कहानी संग्रह पढ़ना होता है। 2 भागों में विभाजित है प्रश्न पत्र, प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2। प्रश्न पत्र 1 में भाषा विज्ञान और साहित्य का इतिहास और प्रश्न पत्र 2 में पद्य खंड और गद्य खंड। तो आज हम लोग परिचर्चा करेंगे प्रश्न पत्र 2 में यानी पद्य खंड और गद्य खंड में किस तरह के सवाल और कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्रश्न पत्र 2 250 अंक का है और इसमें विशेष बात यह होती है कि प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 5 ये दोनों व्याख्या से संबंधित है। कुल प्रश्नों की संख्या 8 होती है जिसमें से प्रत्येक विद्यार्थी को जो सफल होना चाहते हैं उनको 8 में से 5 प्रश्न करने होते हैं। प्रश्नों की जो कुल संख्या है वो 19 होती है यानी प्रश्न संख्या 1 में 5 प्रश्न व्याख्या के, प्रश्न संख्या 5 में 5 प्रश्न व्याख्या के यानी 10 प्रश्न व्याख्या के होते हैं। एक व्याख्या का प्रश्न 10 अंक का होता है, 10 प्रश्न यानी 100 अंकों की व्याख्या होती है और बाकी 150 अंक प्रश्नों का होता है। तो हम लोग देखेंगे कि आखिर प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2 में किन किन प्रश्नों को शामिल किया गया है 2021-22 के एग्ज़ाम के लिए। तो हम सबसे पहले प्रश्न पत्र 2 में पहला प्रश्न जो व्याख्या से संबंधित है उसकी चर्चा करते हैं। पहली व्याख्या सूरदास, एक कवि जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, उनसे पूछा गया है। सूरदास के 100 पद आपके कोर्स में हैं, उद्धव गोपी संवाद, और उद्धव गोपी संवाद का 1 पद व्याख्या के लिए पूछा गया है और यह है काहे को रोकत मार्ग सुधो। हे उद्धव जी, गोपियां कह रही हैं कि मेरा सीधा रास्ता आप क्यों रोक रहे हैं। सुनहु मधुप निर्गुण कंटकते राजपंथ क्यों रुधो। हे मधुप सुनिए, निर्गुण जो कांटों वाला रास्ता है उसके कारण मेरा जो राजपथ है क्यों व्यवधान उसमें डाल रहे हैं, यानी हमारा जो सगुण भक्ति है, हम जो लोक तत्वों लोक मुहावरों के साथ हैं, लोक संस्कृति के साथ हैं, ये तो नेशनल हाईवे के समान है और आप कांटों वाले रास्ते पर हमको ले चल रहे हैं। कह तुम सीखे पठाए कुब्जा, ऐसा लगता है कि कुब्जा ने सिखा पढ़ा के आपको भेजा है। कह कहीं श्याम घन जुधो, या क्या सच में श्याम ने यानी कृष्ण ने कुछ कहा है। वेद पुराण सुमति सब ढूंढो, वेद पुराण और स्मृतियों को ढूंढ करके हे उद्धव जी आप बताइए कि ज्योतिन जोग कहूँ धो, ज्योतियों को जोग करना है ये कहाँ पर लिखा है। ताको कहाँ परेखो कीजो, उसकी क्या परीक्षा की जाए, उसके बारे में क्या कहा जाए। जो जानत छाछ न दूध हो, जो छाछ और दूध में अंतर नहीं समझता। तो ये एक व्यंग है, एक उपहास है। आप कह सकते हैं कि ये वचन वक्रता का उदाहरण है, यानी गोपियाँ उद्धव जी से प्रश्न करती हैं और उद्धव जी निरुत्तर हो जाते हैं। उद्धव जी सामंतवाद के प्रतीक हैं, शास्त्रवाद के प्रतीक हैं, निर्गुण चेतना के प्रतीक हैं और शंकराचार्य के ज्ञान मार्ग का फॉलो करते हैं, जबकि सूरदास की गोपियाँ सगुण भक्ति की पक्षधर हैं, लोक संस्कृति को आदर देती हैं, नारी स्वतंत्रता और सार्थकता पर प्रश्न उठाती हैं, यानी उसके पक्ष में खड़ी हैं, जबकि उद्धव जी इसके विपक्ष में खड़े हैं। तो ये जो व्याख्या है 10 अंक की है और 10 अंक की जो व्याख्या है वो आप लगभग 150 शब्दों में लिखते हैं और आपके पास जो वक्त है वो 7-8 मिनट का है, यानी एक बेहतर प्रबंधन की ज़रूरत है। यानी व्याख्या के प्रश्न में हम संदर्भ, प्रसंग, भाव सौंदर्य यानी विशेष और तुलना तथा शिल्प सौंदर्य और प्रासंगिकता की बात करते हैं। तो जो विद्यार्थी सफल होना चाहते हैं, जो विद्यार्थी 60% से अधिक अंक पाना चाहते हैं, उनके लिए आवश्यक है कि द्वितीय प्रश्न पत्र में सभी व्याख्या के प्रश्नों को यानी कुल 10 व्याख्या के प्रश्नों को वो बेहतर तरीके से प्रबंधित करें।
अब हम देखते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या है, और दूसरा जो व्याख्या का प्रश्न यानी पहले प्रश्न का जो दूसरा हिस्सा है ख, इसमें तुलसीदास जो भक्ति काल के कवि हैं उनसे प्रश्न पूछा गया, और ये प्रश्न कवितावली से संबंधित है। जाति व्यवस्था पर कटाक्ष करते हुए, व्यंग करते हुए, विरोध करते हुए संत तुलसीदास कहते हैं, धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुल्हा कह को, तुम हमको धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो, जाति व्यवस्था में कुछ भी कहो, काहू की बेटी से बेटा न ब्याहब, किसी की बेटी से मुझे बेटा नहीं ब्याहना, काहू की जाति बिगाड़ब न सो, और इससे एक मैं किसी की जाति भी नहीं बिगाड़ूंगा। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, तुलसी तो केवल राम के गुलाम हैं, भक्त हैं, जाको रुचे सो कहे कछो, जिसको जो रुचि है जिसका जो मंतव्य है वो कहे, मांगी के खइबो मस्जिद के सोइबो, मांग के खा लेंगे और मस्जिद में सो लेंगे, लेबो को एक न देबो को दो, न किसी से एक लेना न किसी को दो देना। यानी तुलसीदास चिंतित हैं जाति व्यवस्था पर, समाज की संरचना पर, धर्म के पाखंड पर, और इस तरह से एक विरोध है। कवितावली एक मुक्तक रचना है, जो कार्य तुलसीदास रामचरितमानस में राम के माध्यम से करवाते हैं, वहीं कवितावली में जो ब्रजभाषा में रचित है और मुक्तक रचना है, उसमें तुलसीदास सीधे सीधे उन सभी प्रश्नों का साक्षात्कार करते हैं और उसका विरोध करते हुए समाधान देते हुए एक बेहतर रचना के माध्यम से हमारे सामने आते हैं। तो उसी में से एक व्याख्या पूछी गई, यानी कवितावली की बहुत चर्चित व्याख्या, और ये रिपीटेड प्रश्न यानी पुनरावृत्ति हुई है इन प्रश्नों की। आप देखेंगे कि हिंदी साहित्य में अगर किसी विद्यार्थी ने 30-40 प्रश्न कर लिए हैं तो उन्हीं प्रश्नों की पुनरावृत्ति होती है। अब कौन से 30-40 प्रश्न करने हैं वो बताए जाएंगे एक एक करके। अब हम तीसरी व्याख्या पर चर्चा करेंगे, और ये व्याख्या भी कई बार पूछी गई है। ये व्याख्या कामायनी से है। आप जानते हैं कि कामायनी में 15 सर्ग हैं, जयशंकर प्रसाद की रचना है, नवजागरण की रचना है, अतीत वर्तमान और भविष्य को कैसे प्रबंधित किया जाए, कैसे पूंजीवादी साम्राज्यवादी समस्याओं का समाधान दिया जाए। तो व्याख्या का की लाइन देखिए, दुख की पिछली रजनी बीच, दुख की पिछली रात्रि के बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, सुख की नई सुबह तो वहीं से होती है, दुख के बाद सुख आना ही है, कोई भी ऐसी रात नहीं है जो अंतहीन हो, आखिर सुबह होती ही होती है। यानी दुख और सुख दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, जीवन के पहलू हैं। एक पर्दा यह झीना नील, एक ट्रांसपेरेंट झीना नीला पर्दा है, छिपाए हैं जिसमें सुख गात, जिसमें सुख का अनुभव भी छुपा हुआ है। यानी दुख केवल एकांगी भाव है, सुख भी एकांगी भाव है। कामायनीकार यानी जयशंकर प्रसाद ये चाहते हैं कि सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, यानी सुख और दुख दोनों जीवन के दो आयाम हैं, और दोनों आयामों को जो प्रबंधित करता है वही बेहतर मानव है। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, कामायनीकार कह रहे हैं, यहाँ श्रद्धा कह रही है मनु को। श्रद्धा एक पात्र है, केंद्रीय नायिका है, और वो कह रही है कि जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, यही तो ईश्वर का रहस्यमय वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल, इसको भूलने की जरूरत नहीं है। यानी श्रद्धा मनु को समझाती हुई, आप देखेंगे कि ये जो व्याख्या है दुख की पिछली रजनी बीच जो कामायनी से पूछी गई है, अनेक बार इस व्याख्या की पुनरावृत्ति हुई है। इसलिए आप अगर नहीं लिखते हैं, नहीं समझते हैं, तो ये आपके स्तर पर कमी है, न कि कोर्स के स्तर पर, क्योंकि ये तीनों ही व्याख्या रिपीटेड व्याख्या हैं। और चौथी व्याख्या निराला, महाप्राण निराला की राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा खड़ी बोली हिंदी की अद्वितीय उपलब्धि है। ये 1936 में रचित है। 1936 का मतलब है ये राष्ट्रीय आंदोलन की रचना, नवजागरण की रचना। और निराला कैसे लिखते हैं, भाषा जरा देखिए, कांपते हुए किसलय झरते पराग समुदय, गाते खग नव जीवन परिचय तरु मले वलय, ज्योति प्रपात स्वर्गीय ज्ञात छवि प्रथम स्वीय, जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरीय। तो ये है बेहतर, यानी राम
और सीता का जो मिलन है उससे संबंधित ये प्रसंग है, बहुत ही अच्छा प्रसंग। ये मुक्त छंद का उदाहरण राम की शक्ति पूजा, एक महाकाव्यात्मक उपलब्धि, छायावाद की भी, निराला की भी और खड़ी बोली हिंदी की भी। इसके बाद जो व्याख्या पूछी गई है, यानी पहले प्रश्न का जो पांचवा हिस्सा है, वो है नागार्जुन से अकाल और उसके बाद कविता। 1952 की कविता है ये, आज़ादी के बाद की कविता है और स्वतंत्र भारत में जो अकाल है उन परिस्थितियों को व्यक्त करते हुए मानवीय संवेदना के साथ नागार्जुन लिखते हैं कि दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। आप देखेंगे कि अकाल और उसके बाद कविता प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक संरचना, आर्थिक संरचना, हमारा संविधान, हमारी सारी व्यवस्थाओं पर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है कि आखिर किसी परिवार में अनेक दिनों तक चूल्हा नहीं जलता है। और ये कविता है कि कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। ये जो 8 पंक्तियों की कविता है, उसी 8 पंक्तियों की कविता में 4 पंक्तियाँ शुरू में और फिर 4 पंक्तियाँ जब दाने आते हैं घर में, तो वही जो बाद वाली 4 पंक्तियाँ हैं वो व्याख्या आपसे पूछा गया। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आँखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पाँखें कई दिनों के बाद। तो हम लोग व्याख्या कैसे लिखें, कैसे बेहतर प्रबंधित करें, इस पर तो चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन अभी आप देखिए कि पहला जो प्रश्न है उसके 5 खंड हैं। एक प्रश्न 10 अंक का है, यानी व्याख्या का जो पद्य खंड का हिस्सा है वो 5 प्रश्न, यानी कुल 50 अंकों की व्याख्या। और इस 50 अंकों की व्याख्या में आपको more than 60% marks आपको लाना है। सभी व्याख्याएं सरल हैं और इस सरलता के साथ कैसे हम प्रबंधित करें, इस पर एक विशेष क्लास होगी। अब जरा देखिए कि दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया। ये प्रश्न हम लोग चर्चा कर रहे हैं 2021-22 में जो पूछे गए प्रश्न हैं, हिंदी साहित्य द्वितीय पत्र UPSC से संबंधित। और दूसरा प्रश्न का पहला, कबीर वाणी के डिक्टेटर। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कबीर के बारे में कि कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं। डिक्टेटर मतलब पूर्ण नियंत्रण है कबीर को भाषा पर। इस कथन के आलोक में कबीर की अभिव्यंजना शैली पर विचार कीजिए। ये कथन किसका है, आपको जानना होगा कि ये कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है और कबीर नाम की उनकी किताब भी है। और वो जब कहना चाहते हैं कि कबीर भाषा के डिक्टेटर हैं, वे जब चाहते हैं और जैसे चाहते हैं भाषा से कहलवा देते हैं, बंद पड़ा तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। बहुचर्चित स्टेटमेंट, बहुचर्चित कथन, आप नहीं लिखते हैं तो एक तरह की गलती करते हैं, असावधानी करते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न पूछा गया, 20 अंक का प्रश्न। 20 अंकों के प्रश्न में आप जानते हैं कि ये 250 शब्दों में आप लिखते हैं और जो समय है आपके पास वो है 14 से 15 मिनट, यानी एक पहले से बेहतर प्रबंधन राइटिंग टेस्ट से गुजर जाएंगे आप, तो आप बेहतर लिख पाएंगे। बहुचर्चित प्रश्न कबीर से जो दूसरा प्रश्न है वो है, जायसी ने इतिहास और कल्पना के सुंदर समन्वय से यह अत्यंत उत्कर्ष का महाकाव्य दिया है, इस कथन के आधार पर पद्मावत की समीक्षा करें। पद्मावत फारसी और भारतीय शैली का एक सुंदर प्रबंध काव्य है जिसमें इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय है और साथ साथ ये 1540-42 की रचना है। भक्ति आंदोलन के जो दूसरे कवि हैं जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, उनकी प्रसिद्धि का आधार पद्मावत है। पद्मावत रूपी प्रेम काव्य क्यों जायसी ने दिया है, इतिहास और कल्पना का समावेश क्यों किया है, इस पर आधारित प्रश्न है 15 अंकों का। 15 अंक का प्रश्न का मतलब है कि आप 200 शब्दों में लिखेंगे और आपके पास 12 से 13 मिनट यानी 12 मिनट में आपको इन प्रश्नों को लिखना है, 15 अंक के प्रश्नों को। इसके बाद 15 अंक का एक और प्रश्न है, वो है बिहारी से। प्रश्न ये है, बिहारी रीति सिद्ध रचनाकार है, बिहारी का समय 1600 से 1666 है, रीतिकाल के प्रतिनिधि चिंतक बिहारी, और बिहारी की जो भाषाई जो प्रवाह है, भाषाई जो विशेषता है, उस पर बिहारी ने अन्योक्तियों और सूक्तियों के माध्यम से जीवन के सत्य का सजीव वर्णन किया, जीवन के सत्य का वर्णन किया है अन्योक्ति के माध्यम से, सूक्तियों के माध्यम से, इस कथन की विवेचना करें। तो ये प्रश्न बिहारी से है, ये भी 15 अंकों का प्रश्न है। यानी आप जानते हैं कि पहला जो प्रश्न है वो तो 50 अंक का हुआ, दूसरा प्रश्न भी 50 अंक का है, प्रत्येक प्रश्न 50 अंक के होते हैं, आपको लिखना कितना होता है, 5 प्रश्न लिखना होता है। तो दूसरे प्रश्न में 3 खंड, पहले प्रश्न में 5 खंड,
अब देखते हैं कि तीसरा प्रश्न क्या है। और जो तीसरा प्रश्न है उसमें कविता खंड से अज्ञेय की एक रचना है असाध्य वीणा, और रचना वर्ष है 1961, और ये नई कविता की उपलब्धि है। उसी से ये प्रश्न पूछा गया, अज्ञेय द्वारा रचित कविता असाध्य वीणा की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। अज्ञेय ने जो एक प्रतिनिधि कविता लिखी है असाध्य वीणा, उसका जो मूल संवेदना, संवेदना का मतलब क्या हुआ कि उसका कथ्य बताइए, कवि कहना क्या चाहता है ये बताइए, यानी आप जो विचार पक्ष है उस पर चर्चा कीजिए, यानी क्या कहा है और क्या कहना चाहते हैं इसकी बात कीजिए। तो ये 20 अंकों का सवाल असाध्य वीणा से। नेक्स्ट प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त और उनकी रचना भारत भारती। भारत भारती आप जानते हैं कि 1912-13 की रचना है, राष्ट्र कवि कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त को। मैथिली शरण गुप्त जी ने भारत भारती के माध्यम से न सिर्फ अतीत के गौरव का गान किया है बल्कि वर्तमान को भी झकझोड़ा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न, आप जानते हैं कि भारत भारती अतीत, वर्तमान और भविष्य तीन खंडों में है। तो प्रश्नकर्ता ये जानना चाहता है कि केवल अतीत का गौरवगान नहीं है, इसमें वर्तमान समस्याओं को भी बहुआयामी रूप से प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान समस्याएं क्या थी? मूलतः साम्राज्यवाद की समस्या थी और भी कई सांस्कृतिक धार्मिक समस्याएं थी। तो ये जो प्रश्न है भारत भारती से है, 1912-13 की रचना है, और मैथिली शरण गुप्त की इस रचना के संवेदना पक्ष पर बात की गई। इसके बाद जो प्रश्न है, दिनकर युग चेता कवि कुरुक्षेत्र से उदाहरण देते हुए इस कथन की सत्यता प्रमाणित कीजिए। कुरुक्षेत्र रचना 1945 की है, भारतवर्ष आज़ाद होगा, स्वतंत्र होगा, उसकी पूर्व संध्या पर रचित है। 1945-47 में देश आज़ाद होगा। कुरुक्षेत्र रचना सर्गबद्ध रचना है और इसमें युद्ध दर्शन पर विचार किया गया है। युद्ध होता क्यों है? दिनकर युग सचेत कवि हैं, युग की समस्याओं को समझते हैं, तो इससे संबंधित ये प्रश्न दिनकर से। यानी अभी तक आपने पहले प्रश्न में 5 व्याख्या, दूसरे प्रश्न में 3 प्रश्न, 3 खंडों में क ख ग, स्मरण रहे कि प्रत्येक खंड को आपको लिखना है। यानी जो दूसरा प्रश्न है अगर उसके 3 खंड हैं, 3 प्रश्न हैं, तो उन तीनों को लिखना है। तीसरे प्रश्न में फिर से 3 प्रश्न, चौथा प्रश्न जो है वो उसमें भी 3 प्रश्न होते हैं। आप जानते हैं कि कुल 5 प्रश्नों को लिखना होता है, जिसमें से 2 तो व्याख्या की हो गई, 10 प्रश्न, और फिर 3 प्रश्न, यानी 3 × 9, यानी कुल 19 प्रश्न लिखने होते हैं। आपके पास समय है 3 घंटा, तो जो चौथा प्रश्न है उससे संबंधित देखिए, कामायनी का गौरव, उसके युगबोध, परिपुष्ट चिंतन, महत उद्देश्य और प्रौढ़ शिल्प में निहित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, 1935-36 की रचना है, उसमें युगबोध है, अतीत बोध है, वर्तमान बोध है, भविष्य बोध है, परिपुष्ट चिंतन है, चिंता और चिंतन, यानी आप कह सकते हैं कि रामचरितमानस के बाद एक ऐसी रचना है कामायनी जिसमें अपने युग की समस्याओं को चित्रित किया गया है और उसका समाधान दिया गया है, और उसका उद्देश्य बहुत ही महत है और शिल्प भी प्रौढ़ है। तो इस कथन की विवेचना कीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है 20 अंक का। इसके बाद मुक्तिबोध की कविता ब्रह्म राक्षस में अंतस्यूत फैंटेसी को व्याख्यायित कीजिए, ये प्रश्न 15 अंकों का है। आप जानते हैं कि ब्रह्म राक्षस 1964, चांद का मुंह टेढ़ा है इसमें संकलित, और प्रगतिशील नई कविता के रचनाकार मुक्तिबोध। फैंटेसी क्यों लिया, फैंटेसी सेल्फ होता क्या है, इसकी विशेषता क्या है और इसकी प्रासंगिकता क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है? तो ब्रह्म राक्षस कविता में फैंटेसी शिल्प यानी शिल्प से जुड़ा हुआ प्रश्न 15 अंकों का, और ये प्रश्न आप 200 शब्दों में लिखेंगे और करीब 11-12 मिनट में लिखेंगे। इसके बाद बहुत ही सरल प्रश्न, हरिजन गाथा नागार्जुन की कविता है, प्रश्न है हरिजन गाथा कविता की मूल संवेदना पर प्रकाश डालिए। इससे सरल प्रश्न और क्या होगा, हरिजन गाथा की मूल संवेदना यानी रचनाकार कहना क्या चाहता है। हरिजन गाथा के माध्यम से जन कवि नागार्जुन सचेत और अचेत रूप से जन पक्षधरता की बात करते हैं, और ये चाहते हैं कि सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक विसंगतियाँ समाप्त हों। यह एक सत्य घटना पर आधारित है हरिजन गाथा रचना, और नागार्जुन की जो जन क्रांतिकारिता है, जन पक्षधरता है, वे कहते भी हैं कि भाई बोलो, दुनिया हमसे पूछ रही है क्या बतलाऊँ, जन कवि हूँ मैं, साफ कहूँगा क्यों हक लाऊँ। तो ऐसे ही कवि
की तीन कविताएं आपके कोर्स में हैं, अकाल और उसके बाद, जिससे व्याख्या पूछी गई, हरिजन गाथा से आपसे प्रश्न पूछा गया, और एक और इनकी कविता है बादल को घिरते देखा है, जिससे हो सकता है कि 2022-23 में ये प्रश्न पूछा जाए। प्रश्न पत्र आप कह सकते हैं कि प्रश्न पत्र दो का खंड बी यानी खंड ख, और वहाँ से भी जो पांचवा प्रश्न है जो अनिवार्य है, इस अनिवार्य हिस्से में पांच व्याख्या जो गद्य खंड से संबंधित है ये पूछा जाएगा आपसे और पूछा गया है। एक एक करके हम प्रश्नों को देखते हैं, और पहली जो व्याख्या है, अंधकार का आलोक से, असत का सत से, जड़ का चेतन से, बाह्य जगत का अंतर जगत से संबंध कौन कराती है, कविता ही ना। तो ये हो सकता है कि आप कविता क्या है इस पे चले जाएं, लेकिन थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। ये जो व्याख्या पूछी गई है वो स्कंदगुप्त नाटक से पूछी गई है, जो 1928 की रचित रचना है और जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, नवजागरण से संबंधित है यह, और ये कहना चाहती है कि कविता की उपयोगिता क्या है, कवि क्यों कविता करता है, सृजन करता है। तो ध्यान दीजिए कि यह जो व्याख्या है वह कविता क्या है निबंध से नहीं है, यह स्कंदगुप्त से है। तो एक बार आपको मूल पाठ पढ़ना पड़ेगा। दूसरी व्याख्या, प्रेम में कुछ मान भी होता है और कुछ महत्व भी। श्रद्धा तो अपने को मिटा डालती है और मिट जाने को ही अपना इष्ट बना लेती है। प्रेम अधिकार करना चाहता है और जो कुछ देता है उसके बदले में कुछ चाहता भी। यह व्याख्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के श्रद्धा और भक्ति नामक निबंध से लिया गया है। इसमें श्रद्धा भक्ति और प्रेम में क्या अंतर है, क्या विशेषताएं हैं, इस पर बात हुई है। और यह जो प्रश्न है कई बार रिपीट भी किया गया है। तो प्रेम और श्रद्धा में अंतर स्पष्ट करते हुए रामचंद्र शुक्ल और आपके लिए दूसरी व्याख्या। तीसरी जो व्याख्या है वो है, विधाता की सृष्टि में मानव ही सबसे बड़ा शक्तिशाली है, उसको पराजित करना असंभव है। प्रचंड शक्तिशाली बमों से भी नहीं, पगलो आदमी आदमी है गिनी पिग नहीं, सबरी ऊपर मानव सत्य, सबके ऊपर मनुष्य ही है, मनुष्य ही करता है। और ध्यान दीजिए कि यह व्याख्या आंचलिक उपन्यासकार फणीश्वरनाथ रेणु की प्रतिनिधि रचना जो 1954 में रचित है, मैलांचल में संकलित है। तो मैलांचल भी एक बार पढ़ने की आवश्यकता है। मैलांचल उपन्यास 1954 आज़ादी के बाद की रचना, और आज़ादी के बाद क्या स्वतंत्रता की किरणें मेरी गंज तक पहुंची हैं, इस पर आधारित यह उपन्यास और उससे पूछी गई व्याख्या। अगली जो व्याख्या है वह है, साहित्यकार का लक्ष्य केवल महफिल सजाना और मनोरंजन का सामान जुटाना नहीं है, उसका दर्जा इतना मत गिराइए, वह देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं। यानी साहित्यकार राजनीति के पीछे नहीं चलता, साहित्य राजनीति के पीछे नहीं चलता, बल्कि उसके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। तो आप जानते हैं कि साहित्य का उद्देश्य, एक निबंध लिखा उपन्यासकार प्रेमचंद ने और उसी से यह संबंधित है कि साहित्य का उद्देश्य, साहित्यकार का लक्ष्य क्या होना चाहिए। भारत भारती जो कविता है उसमें गुप्त जी कह रहे हैं कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, इसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। प्रेमचंद भी मानते हैं कि साहित्यकार का लक्ष्य केवल महफिल सजाना और मनोरंजन का सामान जुटाना नहीं। अगर आप ऐसा समझते हैं तो उसका दर्जा, उसकी इज्जत, उसकी प्रतिष्ठा गिराते हैं। वह तो राजनीति को रास्ता दिखाती है। तो बहुत ही अच्छी व्याख्या आप लिख सकते हैं इससे संबंधित, कथा सम्राट प्रेमचंद, साहित्य का उद्देश्य निबंध में। अगली जो व्याख्या है वो है, जिसे तुम नाश कहती हो वह केवल परिवर्तन, अमरता का अर्थ है अपरिवर्तन। कल्पना करो कि संसार में कोई परिवर्तन न हो, ऐसे संसार में क्या सुख और आकर्षण होगा। आप जानते हैं कि दिव्या उपन्यास 1945 में रचित है, यशपाल ने लिखा है और दिव्या आपके कोर्स में है, सिविल सेवा के कोर्स में, और उसी से ये व्याख्या पूछी गई है, जिसे तुम नाश कहती हो वह केवल परिवर्तन है। यानी परिवर्तन, सातत्य और इससे संबंधित नारी की स्वतंत्रता और सार्थकता और बहुत सारी समस्याओं पर आधारित 1945 का उपन्यास दिव्या, जिसके रचयिता यशपाल, प्रगतिवादी रचनाकार, और ये व्याख्या। यानी आपको व्याख्या के लिए करना क्या है, मूल रचनाओं को एक बार बहुत ही सावधानी से पढ़ना है, और जो मूल सेंटेंस है, जो सेंटेंस कुछ कहती,
जो सेंटेंस में कुछ भाव छुपा हुआ है उसको थोड़ा अंडरलाइन करें आप। तो पहला और पांचवा प्रश्न व्याख्या का, कुल आपको कितना लिखना है, 19 प्रश्न लिखने हैं। अब हम लोग छठे प्रश्न पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्या पूछा गया। तो गोदान के पात्र जो छठा का क है उसमें गोदान उपन्यास से पूछा गया, 1936 की रचना है गोदान। और प्रश्न देखिए क्या पूछा गया, गोदान के पात्र व्यष्टि परक न होकर वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में आते हैं। प्रश्न यह कह रहा है कि गोदान के जो कैरेक्टर हैं, जैसे होरी एक मुख्य कैरेक्टर है, तो वो व्यष्टि यानी व्यक्ति के साथ साथ वो क्या है, किसान वर्ग को रिप्रेजेंट करता है, किसान वर्ग का प्रतिनिधि चरित्र है। अगर मेहता एक कैरेक्टर है तो वो अपने वर्ग को रिप्रेजेंट, पढ़े लिखे हैं, दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं। धनिया है तो ग्रामीण भारतीय जो हिंदुस्तान है उसके, किसान वर्ग की जो पत्नी है उसके जो संस्कार हैं, उसके सहमति और असहमति के जो स्वर हैं, इसको रिप्रेजेंट करती है धनिया। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न, कई बार रिपीट किया गया प्रश्न, तो आप लिख सकते हैं, बहुत ही आसान। आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य में जो प्रश्न आते हैं वो बहुत ही सरल होते हैं, रिपीटेड होते हैं। अगर आपने थोड़ी सी सावधानी रखी है और एक बेहतर प्रबंधन किया है तो आप अच्छे अंक ला ही सकते हैं। छठा का ख प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल के निबंधों में बुद्धि तत्व और हृदय की अनुभूति का सुंदर समन्वय हुआ है, इस कथन की विवेचना करें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध कौन है, चिंतामणि, भाग एक और भाग दो, जिसमें आपके कोर्स में क्या पढ़ना है, भाग एक पढ़ना है। और प्रश्न यह कह रहा है कि उसमें बौद्धिकता और हार्दिकता दोनों का समन्वय है, तो मानसिक पक्ष भी और हृदय की संवेदनशीलता भी, इस कथन की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है छठा प्रश्न का जो ग है, महाभोज उपन्यास के नामकरण की सार्थकता पर विचार कीजिए। आप जानते हैं कि महाभोज उपन्यास 1979 में मन्नु भंडारी ने लिखा है और ये एक राजनीतिक उपन्यास है किसी महिला कथाकार के द्वारा। महाभोज शीर्षक बहुत चर्चित रहा है और महाभोज शीर्षक ये बताता है कि कैसे एक महाभंडारा है जो जीवित राष्ट्र को जो लोग नोच रहे हैं, विधायिका है, कार्यपालिका है, पत्रकारिता है और अपराध का जो गठजोड़ है। तो बहुत ही अच्छा उपन्यास जिसमें दास साहब केंद्रीय चरित्र हैं जो विधायिका के प्रतीक हैं। और ये ऐसा उपन्यास और इसका नामकरण क्यों हुआ, इस तरह से महाभोज क्यों लिखा, तो महाभोज शीर्षक जब आप पढ़ेंगे, यानी महाभोज उपन्यास में जो रचनाकार कहना चाहती है, रचनाकार का चिंतन क्या है, इसको आप भूमिका में पढ़ें और उसके आधार पर इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। सातवां जो प्रश्न है वह है भारत दुर्दशा नाटक, 1880 का दशक, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र नवदान के चिंतक हैं, आधुनिक नाटक और रंगमंच के जन्मदाता हैं। प्रश्न सुन लीजिए, भारत दुर्दशा अतीत गौरव की चमकदार स्मृति है, आंसू भरा वर्तमान है और भविष्य निर्माण की भव्य प्रेरणा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, इसके कथ्य से संबंधित, अतीत भी है उसकी समस्याएँ भी हैं, आंसू भरा वर्तमान है, साम्राज्यवाद है, अंग्रेजी सत्ता है और भविष्य निर्माण, यानी एक बेहतर भविष्य कैसे हो सकता है, बेहतर भारतवर्ष का निर्माण कैसे हो सकता है, क्या क्या हम छोड़ दें, क्या क्या आधुनिकता के तत्व हो सकते हैं जो हिंदुस्तानी आधुनिकता के तत्व हैं, मध्य वर्ग को क्या करना चाहिए और यहाँ पर एक योगी हैं वो क्या करते हैं। तो भारत दुर्दशा बहुत ही सरल नाटक है, इससे संवेदना पक्ष से सवाल। सातवें प्रश्न का ख, और यह है जयशंकर प्रसाद का जो नाटक है उससे, प्रसाद जी के नाटक न सुखांत हैं और न दुखांत, बल्कि वे तो प्रसादांत हैं, इस कथन पर अपनी सहमति या असहमति व्यक्त कीजिए। प्रश्न यह कह रहा है कि प्रसाद के नाटक न सुख पर खत्म होते हैं न दुख पर खत्म होते हैं, सुख और दुख का जो सम्मिलित भाव है, मिश्रित भाव है, इस पर खत्म होते हैं। आप जानते हैं कि भारतीय परम्परा सुखांत की रही है और पश्चिम की परम्परा दुखांत की रही है, लेकिन जयशंकर प्रसाद चाहते हैं कि सुख और दुख दोनों जीवन के पहलू हैं, तो रचना का अंत कहाँ हो, न सुखांत न दुखांत बल्कि प्रसादांत, सुख दुख का एक सम्यक भाव। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधीवादी विचारधारा के आलोक में बावन दास के चरित्र एवं विचार का विश्लेषण कीजिए। बावन दास मुख्य कैरेक्टर, मुख्य चरित्र मैलांचल का, मैलांचल किसने लिखा, फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखा। बावन दास गांधीवादी विचारों का प्रतिनिधि है, तो उनके विचार और चरित्र की बात हो रही है, चरित्र चित्रण की बात हो रही है। अब आठवां प्रश्न यानी अंतिम प्रश्न, और वो है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, और प्रश्न यह कहता है आठवां का क, मल्लिका की अनन्यता एवं सात्विक प्रेम आषाढ़ का एक दिन की महती उपलब्धि है,
उसके चरित्र में भारतीय आदर्श ललना साकार हो उठी है, इस कथन की तर्कसंगत मीमांसा कीजिए। आप शब्दों के भाव को पहचानिए। मल्लिका मुख्य चरित्र है आषाढ़ का एक दिन नाटक। आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है वह मोहन राकेश का है, 1958 का नाटक है। और मल्लिका ये कहना चाहती है कि हम मिट करके भी हम कालिदास को बनाएंगे, तो बहुत ही अच्छा नाटक, यदि आप नहीं पढ़ते हैं तो एक सुख से वंचित हैं, तो आप इसको ज़रूर पढ़िए। बहुत ही, अगर आपने कोई किताब नहीं पढ़ी है तो सबसे पहले इसी किताब को भी पढ़ सकते हैं आप, आषाढ़ का एक दिन नाटक। आठवां का ख प्रश्न, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ये निबंध से प्रश्न है और इसकी समीक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, और ये प्रश्न कितने अंकों का है? 15 अंकों का, यानी आपको लिखना है 200 शब्द, और कितने में लिखना है? 11 से 12 मिनट में लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है चीफ की दावत, कहानी है चीफ की दावत, मध्यवर्गीय अवसरवादिता और मानवीय मूल्यों के विघटन का जीवन दस्तावेज है। चीफ की दावत जो कहानी है उसमें जो मुख्य चरित्र हैं वो श्यामनाथ हैं, और आप जानते हैं कि जो मध्य वर्ग है शहर में है और किस तरह अवसरवादी है, किस तरह अपनी माँ को वो कैद करना चाहता है, किस तरह चीफ का स्वागत हो, कुछ लोभ है, लाभ है, उसके लिए अपने संबंधों को उतार तार करता है। तो चीफ की दावत से ये प्रश्न, चीफ की दावत का जो श्यामनाथ है, ईदगाह के हामिद से भी आप कह सकते हैं कि ईदगाह का हामिद अधिक मैच्योर है चीफ के दावत के श्यामनाथ से। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि प्रश्न पत्र दो, यानी हिंदी साहित्य के दो पेपर हैं। पहले पेपर में भाषा विज्ञान और साहित्य का इतिहास, और जो दूसरा पेपर है उसमें पद्यखंड और गद्यखंड। पद्यखंड में आपने देखा कि 12 कवि आपके कोर्स में हैं, गद्यखंड में 4 उपन्यास, 3 नाटक, 2 कहानी संग्रह और 2 निबंध संग्रह आपके कोर्स में हैं। कुल प्रश्नों में से आपको 19 प्रश्न लिखने हैं, यानी पहला प्रश्न अनिवार्य है जिसमें 5 व्याख्या है जो पद्यखंड से संबंधित है। पांचवा प्रश्न यानी खंड ख का पहला प्रश्न, इसमें गद्यखंड से संबंधित 5 व्याख्याएं हैं, और बाकी किसी भी खंड से, यानी दोनों खंडों में से कोई एक प्रश्न तो अनिवार्य लिखना ही है, और एक खंड से 2 प्रश्न लिखेंगे, यानी कुल 5 प्रश्नों को लिखना है। इन 5 प्रश्नों में जो क ख ग करके कुल प्रश्नों की संख्या 19 हो जाती है। आपके सामने 3 घंटे हैं, लगभग 3000 से अधिक शब्द लिखने हैं, तो एक बेहतर प्रबंधन की आवश्यकता होती है। तो आप कोशिश करें कि गद्यखंड की रचनाओं को क्रमिक रूप से, ग्रेजुअल रूप से पढ़ें। आपने देखा होगा कि प्रश्न बहुत सरल होते हैं, रिपीटेड होते हैं, इन प्रश्नों की पुनरावृत्ति होती है। एक टॉपिक से अगर मान लिया कि कोई आषाढ़ का एक दिन पढ़ता है तो उसमें 3-4 प्रश्न बनते हैं, अगर उन प्रश्नों को आप तैयार कर लेते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित होती है। यानी कुल लगभग 50 प्रश्न बनते हैं, तो इन 50 प्रश्नों को कैसे देखा जाएगा और कौन से वे 50 प्रश्न हैं, ये हम लोग आगे के क्लास में बताएंगे। लेकिन अभी हम लोगों ने चर्चा की 2021-22 में हिंदी साहित्य द्वितीय पेपर में प्रश्न और प्रश्नों का संदर्भ, कहाँ से पूछे गए, क्यों पूछे गए, क्या पूछे गए और उनका क्या प्रबंधन हो सकता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रश्न पत्र 1 यानी भाषा विज्ञान और साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, कहाँ से पूछे गए और उन प्रश्नों की परिधि क्या है, प्रश्नों के पूछने के आयाम क्या है। अभी इसी तरह से एक एक करके हम लोग प्रश्नों को, सभी प्रश्नों को देखेंगे कि इसका मॉडल उत्तर क्या हो सकता है, एक आदर्श उत्तर क्या हो सकता है, और आदर्श उत्तर आप कैसे लिख सकते हैं और कितनी सरलता के साथ लिख सकते हैं। धन्यवाद।